भागलपुर बांका रेलखंड की बबरगंज थाना क्षेत्र के वारसलीगंज रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भागलपुर रेल थाने की पुलिस पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बैजानी निवासी नरेश शाह के 27 वर्षीय पुत्र श्याम शाह के रूप में हुई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि मृतक युवक रेलवे ट्रैक पर मोबाइल से बात करते जा रहा था। इसी क्रम में पीछे से हमसफर ट्रेन आ गई और ट्रेन की हॉर्न भी बज रही थी, लेकिन युवक के कान में फोन लगा था, जिस कारण से तेज गति से आ रही ट्रेन की आवाज युवक नहीं सुन पाया। इस दौरान युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद काफी संख्या में लोग जुट गए। वहीं परिजनों ने बताया कि युवक मजदूरी करने के लिए घर से निकला था। वहीं भागलपुर रेल पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस गई थी और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत परबत्ता के खगरा स्थित बंद पड़े आयुर्वेदिक अस्पताल का आज कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने निरीक्षण किया। अस्पताल निरीक्षण के दौरान गांव के स्थानीय लोग मौजूद थे। ग्रामीणों ने कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता जह भागलपुर अजीत शर्मा से जल्द आयुर्वेदिक अस्पताल शुरू करवाने की मांग की। ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा कि आयुर्वेदिक अस्पताल चालू हो जाने की वजह से गांव के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। आयुर्वेदिक अस्पताल नेशनल हाईवे 31 के समीप है। NH 31 पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है। खगरा गांव में अस्पताल शुरू हो जाने की वजह से सड़क दुर्घटना में शिकार लोगों को दूर नहीं जाना होगा। तुरंत आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज करवा सकेंगे, जिससे उनकी जान बच सकेगी। वहीं कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि खगरा स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल बहुत पुराना है। फिलहाल यह अस्पताल अभी बंद है। मैंने ग्रामीणों को आवेदन देने के लिए कहा है। आवेदन मिलने के बाद मैं बहुत जल्द स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात करूंगा और जल्द से जल्द चालू कराने का आग्रह करूंगा, जिससे आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। हाँ, ये स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे पहले चलता था, काफ़ी दिनों से चला है, बहुत पुराना है ये, और ये लोग चाहते हैं कि फिर से चालू हो। चार कर्मचारी पहले काम करते थे और ये खगड़ा गांव एक बहुत बड़ा गांव है और यहाँ स्वास्थ्य केंद्र तो चलना ही चाहिए। मैंने इन लोग कहा है कि आवेदन हमारे नाम से दे दीजिए, मैं माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग से मंगल पांडे जी से बात करूँगा। और ये लोग कहते हैं कि मिले थे तो ये लोग जिला परिषद के अधीन है, तो अधीन किसी के नहीं होता, सब सरकार के अधीन है। और मैं चाहता हूं कि मैं ये आवेदन जब आएगा तो हम मंगल पांडे जी से मिलके इसको चालू कराने का काम करेंगे। कितनी अपेक्षा है सर, यहाँ पे इतना बड़ा क्षेत्र है, NH और 14 नंबर पहुँच पाते हैं? नहीं, सरकारी संपत्ति है और ज़मीन भी काफ़ी लंबा है, लोगों ने दान के रूप में दिया है और आज से तो है नहीं, ये बीच में चला भी है कुछ वर्षों तक, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और स्वास्थ्य केंद्र तो ऐसे भी चलना चाहिए, लोग ज़मीन मिलता कहाँ है खोलने के लिए, और यहाँ खगड़ा वासियों ने यहाँ ज़मीन दे के रखा है, हमको लगता है बीघा में होगा जी। और ये इतना बड़ा जमीन है, ये स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, इसको रिपेयर करके इसको चालू करना चाहिए। भागलपुर के सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला आगामी गुरुवार से शुरू हो रहा है। पिछले 2 साल से मेले पर कोरोना का ग्रहण लगा हुआ था, लेकिन इस बार विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला सामूहिक रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसी कड़ी में सुल्तानगंज आने वाले कांवरिया शिव भक्तों का स्वागत इस वर्ष मंजूषा पेंटिंग से किया जाएगा। अजगेबीनाथ गंगा घाट, ओवरब्रिज, रेलवे स्टेशन सहित सुल्तानगंज के विभिन्न चौक चौराहों पर मंजूषा कला की पेंटिंग करवाई जा रही है। बताते चले कि मंजूषा कला अंग प्रदेश की धरोहर और विशेष पहचान है। श्रावणी मेला के दौरान देश विदेश से अजगेबी नगरी आने वाले श्रद्धालुओं को अंग क्षेत्र के बारे में जानकारी मिल सके, इसे लेकर नगर परिषद की ओर से कलाकारों के द्वारा जगह जगह एक से बढ़कर एक मंजूषा पेंटिंग बनवाई जा रही है। कांवड़ लेकर बाबा धाम जाते हुए श्रद्धालु जंगल में शिवलिंग, लोक आस्था का महापर्व छठ, बिहुला विषहरी सहित कई तरह की मंजूषा पेंटिंग कराई जा रही है, जिससे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में आने वाले कांवरिया शिव भक्त अंग प्रदेश की संस्कृतियाँ अच्छी तरह से जान सके। मंजूषा पेंटिंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं भैया? अभी तो सीढ़ी घाट में ही ऑर्डर मिला है, उसके बाद जहाज घाट में भी बनने वाला है। आने वाले कांवरिया को क्या जनादेश देना चाहते हैं, मतलब क्या मंजूषा का संदेश दे रहे हैं चित्रकारी के माध्यम से? ये कोरोना काल से ख़त्म होने के बाद कांवरिया में देख रहा हूँ एक नया जोश, नई उमंग है, और ये मंजूषा कला जो है यहाँ पे प्रत्येक साल इसलिए बनाया जाता है, यहाँ पे दूर देश से आने वाले जितने भी कांवरिया हैं, हमारे आंध्र प्रदेश की लोक कला मंजूषा कला से रूबरू हो सके, इनके बारे में जान सके।
सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला आगामी 14 जुलाई से शुरू होगा। कोरोना के कारण इस बार 2 साल बाद मेला लगेगा। सुल्तानगंज से बाबा धाम तक आस्था का सैलाब उमड़ेगा। श्रद्धालुओं को कांवर यात्रा में दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर हर तरह की तैयारी की गई है। मंत्री से लेकर अफसर तक ने बेहतर सुविधा मुहैया कराने के दावे किए हैं। वहीं हमारे संवाददाता संजय कुमार ने सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट से सुइया तक करीब 60 किलोमीटर तक कांवरिया पथ की पड़ताल की। इसमें प्रशासनिक तैयारी की हकीकत सामने आई। इस बार लाल बालू की जगह गंगा का सफेद बालू कांवरिया पथ पर बिछाया गया है। इस पर चलने में कांवरियों को अच्छा लग रहा है, लेकिन बालू की परत की मोटाई कम होने से यह जल्दी गर्म हो रहा है। हालांकि 2 साल के दौरान कांवरिया पथ के किनारे लगाए गए पौधे अब बड़े हो गए हैं और हरियाली छा गई है। इससे वहां का दृश्य मनोरम हो गया है, लेकिन मौसम का मिजाज इस बार जिस तरह गर्म है, ऐसे में बम की भगवान भोलेनाथ से बस यही कामना है कि खूब बारिश हो ताकि कांवरियों की डगर आसान हो सके। 14 जुलाई से मेला शुरू होगा, लेकिन सुल्तानगंज के गंगा घाट से कांवरिया पथ पर बोलबम के नारे गूंजने लगे हैं। कांवरियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सिवान के कांवरिया नवल किशोर रहमतपुर से मिले, उन्होंने बताया कि सुल्तानगंज से असरगंज तक आए हैं। धूप तेज होने से चलने में मुश्किल हो जाती है। उन्होंने बताया कि इस बार व्यवस्था अच्छी है, लेकिन बालू पर अगर पानी नहीं दिया गया तो कांवरियों को चलने में दिक्कत होगी। क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? ये दिक्कत ये हो रही है कि पांव बांध रहा है, मतलब चलने नहीं दे रहा है। जहाँ बैठ गया है वहाँ तो दिक्कत नहीं है, जहाँ नहीं बैठा बालू नया पड़ा है वहाँ दिक्कत हो रहा है। तो जैसे कि धूप में भी दिक्कतें हो रही है? धूप में तो बहुत टेम्परेचर इतना हो जाता है, बालू गर्म हो जाती है, पाँव में छाले पड़ने का डर रहता है, इसीलिए धूप में चल नहीं रहा है कोई। अब हम लोग नाइट में चलेंगे। उसमें कहाँ से आए आप लोग? हम लोग सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर जिला। कितने कितने लोगों का जत्था आप लोगों का? अरे हम लोग करीब 50 लोग हैं। पीरपेंती के ओलापुर गांव में चंपा देवी के घर के किचन में रखे गैस सिलेंडर से लगे आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपट इतनी तेज थी कि जब तक लोग समझ पाते, आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की तत्परता से आग पर काबू पाया गया। आग लगी की घटना से जितेंद्र मंडल और सौरभ मंडल का घर जलकर राख हो गया। आग बुझाने के क्रम में सौरभ मंडल जख्मी हो गए हैं। सूचना पाकर पीरपेंती थाना अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद छोटी दमकल के साथ पहुंचे। पीड़ितों ने बताया कि घर के लोग मजदूरी करने गए थे। एक महिला घर के बाहर बच्चों के साथ बैठी थी, इसी बीच घर में रखा गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद फट गया। ग्रामीणों व प्रतिनिधियों ने प्रशासन व गैस एजेंसी से मुआवजे की मांग की है। वहीं प्रभारी सीओ चंदन कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि क्षति का आकलन कर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। सुल्तानगंज के अजगेबीनाथ धाम में अखाड़ के अंतिम सोमवार को हजारों शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर अजगेबीनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया। साथ ही हजारों की संख्या में कांवड़िया अजगेबीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा एवं बस यात्रा से रवाना हुए। आगामी गुरुवार से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला होने वाला है। वहीं अजगेबीनाथ धाम बाबा भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान हो रहा है। पूरा शहर केसरिया रंग में रंग गया है। वहीं जिला प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा गंगा घाट पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, जबकि जहाज घाट में श्रावणी मेले के उद्घाटन की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। वहीं स्थानीय पंडित कृष्णा झा ने बताया कि अखाड़ का अंतिम सोमवारी का विशेष महत्व है। आज के दिन खासकर बिहार एवं झारखंड में अखाड़ी काली की पूजा होती है। इसको लेकर अजगेबीनाथ धाम में उत्तरवाहिनी गंगा का विशेष महत्व होने के कारण खासकर बिहार झारखंड के कांवड़िया अजगेबीनाथ धाम में पूजा करने पहुंचते हैं। सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से शिव भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन हजारों की संख्या में कांवड़िया क्या महत्व है? आज का अखाड़ का अंतिम सोमवार है, इसमें विशेष महत्व है कि आज के दिन जो लोग बाबा भोलेनाथ से मनोकामना मांगेंगे वो पूर्ण करते हैं बाबा। वैसे तो हम लोग रोज आते हैं नित्य दिन, आज 15 वर्षों से आ रहे हैं, बाबा भोलेनाथ को मना रहे हैं। आज सब दिन जो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई, कमी नहीं हुई, सब बाबा भोलेनाथ पूरा कर रहे हैं। तो हर सोमवार को जब विशेष महत्व होता है आप लोग? हाँ, सोमवार को तो विशेष महत्व होता है, बाबा भोलेनाथ का दिन होता है सोमवार का दिन। आप लोग विशेष पूजा करते हैं आज के दिन? हाँ, विशेष पूजा करते हैं, फूल बेलपत्र जी चढ़ाते हैं, आग खतुरा का फूल। ये अषाढ़ का लास्ट सोमवारी है, अब जो सोमवारी आएगी वो श्रावण का पहला सोमवारी आएगा। और 2 साल से कोरोना काल के चलते श्रावणी मेला पर बैंड लगा हुआ था और सारे हिंदुस्तान के आदमी जो आस्था है जो सुल्तानगंज आते थे वो नहीं आ पा रहे थे। इस बार 2022 का श्रावणी मेला शुरू हुआ है
और सारे हिंदुस्तान के आदमी में हर्रोल्लास से भरा हुआ है। जय बोलबम। अयो कांवड़ियों का है जनसला, वो आज के दिन पहुँचने लगा है। हाँ, आज से शुरू हो गई है, ऐसे तो सालों भर यहाँ चलता है, लेकिन आज से कुछ हुआ है, कल से और अब पूर्णिमा के बाद से और ज़्यादा चलेगा, और ज़्यादा कांवड़ियों का भीड़ होगा। और सोमवार का जो विशेष महत्व है आज के दिन यहाँ का, वो आषाढ़ या आषाढ़ का महीना है तो अखाड़ी काली की वजह से पूरे हिंदुस्तान में पूजा होती है, खास करके बिहार झारखंड में, उसके वजह से ये लास्ट सोमवारी था। पहले देवी का पूजा होता है, एक्चुअली पृथ्वी का पूजा होता है, तब शिव का पूजा होता है, ऐसा मान्यता है।